हरे कृष्णा द वेदिक के सभी दर्शकों का हम आज के वीडियो में स्वागत करते हैं और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्क्रिप्चर पे बेस्ड होते हैं। आज का वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं, परंतु मेरी लाइफ में जो पिछले 15 दिनों में हुआ उसके डिटेल्स को आपके साथ साझा कराने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और हर एक का जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। हालांकि मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी दैट आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, पर उसी के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो जी हाँ, कुछ लोगों को शायद पता है क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के बाद में किसी को रिप्लाई किए थे जब मैं ठीक थी तब। तो आप सभी को ये जानकर दुख है या खुशी मुझे नहीं पता, परंतु मुझे दुख है ये इन्फॉर्म करते हुए कि हम ऋषिकेश से रिलोकेट हो गए हैं गुड़गांव में। जी हाँ, मैं अभी गुड़गांव में हूँ, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है और हम गुड़गांव आ गए हैं। देखिए, ऋषिकेश की वाइब्स तो हमें कहीं नहीं मिलेगी। गंगा मैया का किनारा, वो पावन कह सकती हूँ एटमोसफियर, मंदिर मेरे घर से जहाँ मैं जाया करती थी हर रोज मंगला आरती में और गौर आरती में, वो सिर्फ एक सड़क पार करने जितना दूर, वो सब चीज़ें अब यहाँ तो नहीं हैं। तो उन चीज़ों से मैं हताश तो हूँ, परंतु मुझे ये ज़रूर पता है और ये हम सबको याद रखना चाहिए कि भगवान का हर प्लान हमारी बेटरमेंट के लिए होता है, चाहे हमें वो कुछ सिखाने के लिए ही क्यों ना हो। देखिए, यदि मैं इसका पॉजिटिव पार्ट देखूं तो हो सकता है कि भगवान ने डिटैचमेंट सिखाने के लिए ये कार्य किया, क्योंकि आई वॉज सो कम्फर्टेबल इन माई ओन वर्ल्ड देयर कि सुबह उठे, मंदिर गए, एक दिनचर्या थी, शाम को भी मंदिर, तो बहुत ज़्यादा वैष्णव संघ भी मिल रहा था, खुश थी, गंगा जी का किनारा था, सब कुछ इजीली अवेलेबल था। तो शायद भगवान ने वही थोड़ा सा स्ट्रेच दिया है कि देखो कि जो लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता उनकी लाइफ कैसी होती है। तो हो सकता है कि ये एक डिटैचमेंट सिखाने का भगवान का अपना एक तरीका हो, जिसमें मेरा कुछ बेटरमेंट है फ्यूचर में, ये मुझे डेफिनेटली पता है। तो मैं हर एक सिचुएशन को इस तरह से लेती हूँ, परंतु क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम पूरी तरह से तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि क्या अच्छा है, क्योंकि हम शॉर्ट साइटेड है ना, तो हमें दिख नहीं रहा है कि अच्छा क्या हो रहा है। परंतु आने वाले समय में इसमें कुछ न कुछ मेरा भला ही भगवान ने देखा होगा। सो दिस इज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। रिसेंटली हम अभी 4-5 दिन पहले ही गुड़गांव सेटल हुए हैं और इसी सेटल होने के दौरान ही मुझे डेंगू हो गया था। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, ट्रैवलिंग थी, पैकिंग, अनपैकिंग, मूविंग, एवरीथिंग हैपन टुगेदर, बिकॉज ऑफ विच आई वॉज अनेबल टू शूट वीडियोज़। तो मैं रील्स या वीडियोज़ नहीं क्रिएट कर पा रही थी और बहुत ज़्यादा कमजोरी और आंखों में दर्द, सिर दर्द की वजह से, और पूरी बॉडी मेरी स्वोलन थी बिकॉज ऑफ डेंगू। तो मैं वीडियोज़ तो बिल्कुल नहीं बनाया था मैंने, और अगर मैं ऑनलाइन दिखी भी थी तो वो शायद मेरे हस्बैंड जो ओल्ड वीडियोस थे उन्हें कुछ पोस्ट कर रहे थे कुछ दिनों तक, जब तक कि वो स्टॉक था उनके पास में। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के किसी भी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, पर आज बैठकर मैंने आप सभी के जितने भी मैसेजेस थे उनका रिप्लाई किया है, कोशिश किया है। अभी भी बहुत सारे बाकी हैं, ऑलमोस्ट 500-600 मैसेजेस हो गए थे यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों जगह पर मिलाकर। आप सभी ने मेरी जल्दी रिकवरी के लिए प्रेयर भी किया, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हैं, और वैसे मैं इस तरह के अपडेट्स नहीं देती हूँ वीडियोस के थ्रू, परंतु ये कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत सारे मैसेजेस सिमिलर हैं कि क्यों नहीं मैं रिप्लाई कर रही, क्यों नहीं मैं वीडियोस डाल रही। तो उन सबको रिप्लाई करने से अच्छा है मैंने एक छोटा सा वीडियो क्रिएट किया है कुछ 3-4 मिनट का। तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, यहीं से अब हम अपना नया सफ़र कह सकते हैं शुरू कर रहे हैं। तो अब सभी वीडियो आपको गुड़गांव से ही प्राप्त होंगी। देखिए, हम थोड़ा आइसोलेटेड एरिया में है गुड़गांव के मानेसर में, यहाँ पर आसपास टेंपल्स कम हैं और इस्कॉन भी नहीं है, तो वो एटमॉस्फेयर तो यहाँ नहीं है, परंतु घर में ही हमने अपने ठाकुर जी विराजमान किए हैं और हम घर से ही भजन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को मुझे ये बताना है कि जिनके पास में नियरेस्ट वैष्णव संघ नहीं भी है, वो अपने घर में ही संघ कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन कथा सुनिए, आप ऑनलाइन वैष्णवों के प्रवचन सुनिए, आचार्यों को सुनिए, उनके पपोर्ट्स देखिए, भगवद गीता की क्लास, भागवतम की क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। तो ये सब चीज़ें, मतलब जो वैष्णव संघ है ये ऑनलाइन भी पॉसिबल है, इससे भी काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा।
तो कोई भी लोग जो मंदिर के पास नहीं है, वैष्णव संघ पर्सनल इन पर्सन जिनके पास नहीं है, वो परेशान ना हो, इस तरह से अपने घर में रहकर भी अपना एक छोटा सा ऑल्टर क्रिएट कीजिए जिसमें ठाकुर जी की आप सेवा कर रहे हैं। इस तरह से करेंगे तो आपका घर भी भक्तिमय होगा और आपकी जो कॉन्टिन्यूटी है भजन की वो भी नहीं टूटेगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। कॉन्टिन्यूएशन में हम वीडियोज डालते रहेंगे। अब जल्द ही मैं वीडियोस क्रिएट करूंगी एक दो दिन में और फिर आप लोगों के साथ साझा कराऊंगी नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे